गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आई एम अमनदीप कौर, योर ईवीएस टीचर। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 4, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एंड टॉपिक ऑफ द डे इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, राइट? सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं, कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं। आप सबको मैंने बता रखा है कि लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, ठीक है, राइट? तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द टॉपिक, दैट इज ह्यूमन बींग्स। पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिविंग थिंग होने के क्या क्या स्पेसिफिक कारण हैं, ठीक है, क्या क्यों उनको लिविंग थिंग बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे ब्रीथ थ्रू देयर नोज, राइट? कि इसमें हम पढ़ेंगे कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने नोज के थ्रू वो ब्रीद करते हैं, राइट? उसके बाद है दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। जैसे आप लोग, आप सारे ह्यूमन लाइक मी, आई एम ऑल्सो लिविंग थिंग, ठीक है। तो मुझे जो मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ, सांस लेते हो ना आप लोग, ऑक्सीजन हमें चाहिए ब्रीद करने के लिए। इसी के कारण हम लोग जो हैं लिविंग मतलब जिंदा रह सकते हैं, राइट? तो जैसे नोज, आप सबके पास भी नोज है, मेरे पास भी है, इसके थ्रू हम सब ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं। नेक्स्ट इज लेग्स, हम सब क्या है मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स। जैसे देखो मैं भी मूव कर रही हूँ, राइट? तो मैं क्यों मूव कर रही हूँ, क्योंकि मेरी लेग्स हैं जो इसमें जान है, ठीक है, ये लिविंग है, इसीलिए मैं इनकी हेल्प से खुद ब खुद मूव कर रही हूँ। बट जो अगर हम करें बात नॉन लिविंग थिंग की, फॉर एग्जाम्पल दिस टेबल, दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग, क्या ये अपने आप मूव कर रहा है जैसे मैं मूव कर रही हूँ? नो। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स आर दे ईट फूड टू लिव, हम सब खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए। एंड नेक्स्ट इज दे फील हॉट कोल्ड हैप्पी एंड सैड, आप सब लोग, आप सबको गर्मी सर्दी फील होती है। आप लोग इसके अलावा क्या है, कभी आप अगर आपकी कोई बहुत अच्छी सी विश पूरी हो जाती है तब आप क्या बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो ना, खुश हो जाते हो बहुत ज़्यादा। अगर आपकी कोई विश नहीं पूरी होती तो क्या है आप सैड फील करते हो, राइट? सो दीज आर द डिफरेंसेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। एंड अदर इज दे ग्रो फ्रॉम बेबीज टू एडल्ट। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जब आप लोगों का बर्थ हुआ था तब आप सारे क्या थे, एक स्मॉल से बेबी थे, बिल्कुल छोटे से। बट डे बाय डे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, टाइम इंक्रीज होता गया, आप भी बड़े होते जा रहे हो, राइट? आप ग्रो करते जा रहे हो। जैसे पहले आप नर्सरी क्लास में थे, फिर आप प्रेप वन में हुए, प्रेप टू में हुए, ग्रेड वन में, अभी ग्रेड टू में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। इसके बाद आप ग्रेड थर्ड में हो जाओगे, फोर में हो जाओगे। सो दिस इज ऑल्सो नेचर ऑफ लिविंग थिंग, कि वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, ठीक है, कि वो लोग क्या करते हैं, बर्थ देते हैं अपने बेबीज को। बर्थ जैसे आपके मदर है, आपके मदर ने आपको बर्थ दिया, इसीलिए आप इस दुनिया में आए, राइट? ऐसे जैसे आप लोग देखते हो डॉग होते हैं, डॉग के छोटे छोटे पपी होते हैं ना, डॉग भी क्या है, लिविंग थिंग। अभी हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, कौन कौन से लिविंग थिंग हमने पढ़े हुए हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट? सो दीज आर नॉन एज द लिविंग थिंग्स। तो जो लिविंग थिंग है वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग बर्थ देता है अपने बेबीज को, एंड जो एनिमल है वो बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को जो उनके साथ सिमिलर होते हैं, राइट? और ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि जो भी वो ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स अपने बच्चों को बर्थ देते हैं वो सेम उसी काइंड के होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग है बर्थ देता है तो बच्चे भी क्या है, ह्यूमन बींग है। डॉग बर्थ देता है तो डॉग का जो पपी भी है वो भी बड़ा होकर डॉग बन जाता है। तो इनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको ये बर्थ देते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स दे ब्रीद थ्रू टाइनी होल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव, जो लीव है उसके सर्फेस पे छोटे छोटे से टाइनी टाइनी होल होते हैं जो हमें दिखते नहीं है विद आवर नेक्ड आईज, हमें अपनी ऐसे सीधा आंखों के साथ नहीं दिखते।